कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। कौन महीने दो महीने चार महीने के लिए केयर टेकर सीएम बनता है वो ज्यादा मायने नहीं रखता। सुनीता केजरीवाल के लिए बीजेपी कह रही कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते, क्या ऐसा है? आज जो बड़ी बात यह है कि इस दौर में कोई अपनी चपरासी की नौकरी से, कंडक्टर की नौकरी से भी इस्तीफा नहीं देता, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया। जब वो जेल में थे उन्होंने तब इस्तीफा नहीं दिया, अब उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसके पीछे क्या सोच है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, राघव कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, और अब बैठक होने वाली है, किसके नाम का ऐलान होगा? देखिए, मैं समझ सकता हूँ मीडिया की खूब दिलचस्पी इस बात में, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी बात यह है और दिल्ली की जनता के लिए ज़रूरी बात यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। आज अग्नि परीक्षा से गुजरने का फैसला अरविंद जी ने लिया है। जनता फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहती है। कौन महीने दो महीने चार महीने के लिए केयरटेकर सीएम बनता है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है इस अग्नि परीक्षा से अरविंद केजरीवाल जी का गुजरना और कैसे लोग उनकी ईमानदारी पर मोहर लगाएंगे। ये सुनीता केजरीवाल के लिए बीजेपी कह रही कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते, क्या ऐसा है? विधायकों में से बनेगा या सुनीता बीजेपी के बयान पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता, उनको स्वतंत्रता है, जो बयान देना है दें। लेकिन आज जो बड़ी बात यह है कि इस दौर में कोई अपनी चपरासी की नौकरी से, कंडक्टर की नौकरी से भी इस्तीफा नहीं देता, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी। आखिरी सवाल ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि जब वो जेल में थे उन्होंने तब इस्तीफा नहीं दिया, अब उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसके पीछे क्या सोच है? इस्तीफा देने की जो समय तिथि है वो तो केजरीवाल जी तय करेंगे, कोई और तो तय करेगा नहीं। और जहां तक जेल में रहते हो इस्तीफा देने की बात है, उन्होंने खुद अपने आज वक्तव्य में बात साफ करी कि वे नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की एक प्रेसिडेंट बन जाए कि मुख्यमंत्री को पकड़ो और जेल में इस्तीफा करा। उन्होंने कहा मैं बाहर आकर सुप्रीम कोर्ट से बेल लेने के बाद इस्तीफा दे रहा हूँ। बड़ी चीज कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना। कौन महीने दो महीने चार महीने के लिए केयरटेकर सीएम बनता है वो ज्यादा मायने नहीं रखता। सुनीता केजरीवाल के लिए बीजेपी कह रही कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते, क्या ऐसा है? आज जो बड़ी बात यह है कि इस दौर में कोई अपनी चपरासी की नौकरी से, कंडक्टर की नौकरी से भी इस्तीफा नहीं देता, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया। जब वो जेल में थे उन्होंने तब इस्तीफा नहीं दिया, अब उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसके पीछे क्या सोच है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, राघव कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, और अब बैठक होने वाली है, किसके नाम का ऐलान होगा? देखिए, मैं समझ सकता हूँ मीडिया की खूब दिलचस्पी इस बात में, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी बात यह है और दिल्ली की जनता के लिए ज़रूरी बात यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। आज अग्नि परीक्षा से गुजरने का फैसला अरविंद जी ने लिया है। जनता फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहती है। कौन महीने दो महीने चार महीने के लिए केयरटेकर सीएम बनता है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है इस अग्नि परीक्षा से अरविंद केजरीवाल जी का गुजरना और कैसे लोग उनकी ईमानदारी पर मोहर लगाएंगे। ये सुनीता केजरीवाल के लिए बीजेपी कह रही कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते, क्या ऐसा है? विधायकों में से बनेगा या सुनीता बीजेपी के बयान पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता, उनको स्वतंत्रता है, जो बयान देना है दें। लेकिन आज जो बड़ी बात यह है कि इस दौर में कोई अपनी चपरासी की नौकरी से, कंडक्टर की नौकरी से भी इस्तीफा नहीं देता, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी। आखिरी सवाल ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि जब वो जेल में थे उन्होंने तब इस्तीफा नहीं दिया, अब उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसके पीछे क्या सोच है? इस्तीफा देने की जो समय तिथि है वो तो केजरीवाल जी तय करेंगे, कोई और तो तय करेगा नहीं। और जहां तक जेल में रहते हो इस्तीफा देने की बात है, उन्होंने खुद अपने आज वक्तव्य में बात साफ करी कि वे नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की एक प्रेसिडेंट बन जाए कि मुख्यमंत्री को पकड़ो और जेल में इस्तीफा करा। उन्होंने कहा मैं बाहर आकर सुप्रीम कोर्ट से बेल लेने के बाद इस्तीफा दे रहा हूँ। बड़ी चीज।